بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم yes. الحمد لله انك انت العليم. الله يهديكم الله سبحانه لكم اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم امين मेरे भाई और बहनों सूरत अहा जिसने पिछली मुलाकात में हम सबको और हर मुसलमान को ये सिखाया है कि आपको अपना अपना राइट हैंड कैसे इस्तेमाल करना है ये सिखाया मुबारक हैं वो लोग जिन्होंने अपना राइट हैंड इस्तेमाल करना इस शुरे से और क़ुरान करीम से सीख लिया और हमको इस शुरे ने यह सिखाया कि लेफ्ट हैंड को कैसे इस्तेमाल न किया जाए और मुबारक हैं वो लोग जो ये तरीक़ा भी सीख गए और अगर हमने सुन लिया है लेकिन हम अभी तक राइट और लेफ्ट हैंड की अहमियत को नहीं समझ सके तो फिर हमारी बर्बादी हमारे लिए मुकद्दर है और इससे हमें बचना है डरना है आज जो आयत है वो आयत नंबर थर्टी थ्री है बस्मिलहमान रहीम इन खानबिल इसका तर्जुमा तो होगा कि ये जो शख्स था कौन सा शख्स था जिसका जिक्र अभी अभी, अभी गुजरा है तो फिर सवाल कीजिए और वो कौन सा शख्स है जिसका जिक्र अभी अभी, अभी गुजरा है तो फिर मैं कहूँगा फिर पिछली मुलाकात याद कीजिए अब पिछली मुलाकात की बातें अगर याद हैं तो इस जुमले को इस आयत को समझना आसान है वो शख्स जिसने अपना लेफ्ट हैंड इस्तेमाल किया दाएं हाथ को नरानंदाज किया यानी जो नेक अमाल थे उसको निगलेक्ट किया और जो बुरे अमाल थे उसी में पड़ा रहा तो जब उसको जानने में डाला गया इस तफसील के साथ जो कुरान ने बताया तो उसको जो है वो नाम अमल को देखते हुए कहा काश ना मिलता तो अच्छा होता काश पहली मौत आई थी आखिरी हो जाती और फिर उसके बाद फरिश्तों को जो हुक्म उठा पकड़ो इसे इसको बांधो रस्सियों से और उड़ा के इसको जहना में फेंको तो ये जो अंदाज इंतहाई गजबनाक है इस शुरे में अल्लाह ताला हम सब की और हर मुसलमान की इबादत करे और फिर उसमें यह बात कि यह जो है क्यों इसका ऐसा हल हुआ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दो जुमले फरमाए सबसे पहली बात यह फरमायी इन नायन ये जो जहन्नम में जा रहा है इसलिए वह कि उसका अल्लाह अल्लाह जैसे बुजुर्ग पर उसका ईमान नहीं था अजीब बात है वो सारे गुनाहगार मुसलमान जो छोटे से छोटा या बड़े से बड़े गुनाह करते हों वो तो कहते हैं ला इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह और फिर उसके बाद अल्लाह फरमाना है कि नहीं उसका अल्लाह पर ईमान नहीं था क्या बात हुई सिर्फ यह हुई ईमान जैसा होना चाहिए था उसका ईमान वैसा नहीं था इसलिए अगर ईमान ऐसा होगा तो गुनाह करने की जरूरत नहीं होगी और अगर गुनाह हो जाएगा तो माफी की तौफीक होगी अल्लाह से माफ करने का अंदाज सीखेगा उसके ऊपर अमल करेगा और फिर हर हाल में अल्लाह को राजी करके छोड़ेगा जी हाँ नबी सल्लल्लाहु वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया सही हदीस में अल्लाह का हक बंदों पर यह है किसका हक किस पर अल्लाह का अल्लाह का हक किस पर उसके तमाम बंदों पर क्या है कि बंदे उसको एक माने बंदे उसको एक माने ये अल्लाह का हक है हम पर जब आप किसी का हक नहीं देते हैं तो आपको क्या कहा जाता ये सब ज़़ालिम है है ना इसीलिए अल्लाह ने फरमाया इन नशे का रजुल नाजीम शिर सबसे बड़ा जुल्म है जिसका हक़ हाँ सबसे ज्यादा साफ सुथरा है वाज है वो नजर ना आए और आदमी अंधा पन के उसी का हक़ हाँ उसको ना दे तो इससे बड़ा जालिम कौन हो यार अरे ये माँ बाप के साथ ऐसा करता इसको माँ बाप का हक नहीं समझ में आया जैसे दुनिया में माँ बाप का हक हाँ समझ में ना आए और औलाद जो है वो इस माना में हरामी निकले कि माँ बाप के, के हक़ को भूल गई ऐसे ही बंदा भी अगर अल्लाह का हक जो रोज़ाना सूरज की रोशनी में और रात की तारीकी में भी नज़र आ रहा है उसको उसने नज़रअंदाज किया तो उसने अल्लाह पर सबसे बड़ा जुल्म किया तो पहली बात ये है ये बहुत अहम बात है मैं आपसे बार बार यश कर रहा हूं कि मुझे भी अपने आप को और आपको भी अपने आप को हर आयत के आईने में अपनी सूरत देखनी है इस आयत में मैं कैसे लगता हूं? चलो इस आयत को लेते हैं यह आयत एक मिरर है एक आईना है कि जहन्नम में ऐसा शख्स जाने वाला अल्लाह ताला फरमा रहा है इसका अल्लाह पर जो अजीम है सबसे अजीम है सबसे बड़ा है वो उस पर ईमान नहीं रखता था चलो इस आयत को हाफिज़ साहब मौलाना साहब देखें अपनी सूरत आयत के अंदर ये तो मौलाना साहब है ये तो हाफिज साहब हैं ये तो दुनिया में सारे ईमान का ठेका लेके लोगों से बात करते हैं ये समझाते हैं अरे भाई अल्लाह से डरो अल्लाह से अल्लाह से अल्लाह से अब ये अगर अल्लाह पर ईमान है तो मौलाना साहब हाफिज साहब जो साहब भी हैं जमात के हैं तबलीग जमात के हैं जमात इस्लामी के हैं जमा किसी और दीनी जमात के हैं सलफी हैं हनफी हैं जो हैं जो हैं तो ये अगर इनका अल्लाह पर ईमान होगा ये हर काम अल्लाह के लिए करेंगे है ना अब अगर ऐसा हुआ कि मौलाना साहब अपनी शहरत के लिए काम कर रहे हैं मेरी इज्जत हो बोले क्या आलिम है अरे क्या बात बोलते हैं ये अल्लाह पर ईमान हुआ नहीं हुआ इसीलिए एक और हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लाम पढ़ लिया कीजिए फरमाया कुरान में कयामत में सबसे पहले तीन तरह के ग्रुप हैं जो जहाने में जाएंगे अल्लाह हम सबको बचाए उसमें से ग्रुप उन का होगा अल्लाह मुझे बताए और सारे सारेमा को बचाए कि वो उनके जानने में डालने का फैसला होगा ए अल्लाह मैंने तो तेरे दीन का इल्म फैलाया मैं तो कुरान सिखाता था मैं तो ये करता था मैं तो वो करता था अल्लाह ताला जवाब देगा तो सब करता था मेरे लिए नहीं करता था तेरी नीयत होती थी मुझे बड़ा समझा जाए मेरी तारीफ हो अपनी शोहरत के लिए जब तूने अपनी शोहरत के लिए किया तो हमसे क्या मांगता है उठाओ में डालो देखा आपने आईना कितना खतरनाक है आम मुसलमान इसको अपने आप में ले ले उसका हर काम सबसे पहले अल्लाह और रसूल के कहने के मुताबिक शरीयत के मुताबिक अब जब हम कहते हैं कि हर अमल अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हो तो यहाँ अजीब बात क्या नजर आती आलिम साहब हो या जाहिल साहब हो जो मीठा मीठा इस्लाम है उस पर अमल करते हैं उसी पर खुश हैं और हर वो इस्लाम जिस पर अमल करने से आपको शैतान बहकाता है कि लोग समाज में क्या कहेंगे अरे लोग क्या सोचेंगे बहुत बड़ा शैतान ही है मैं जानता हूं बड़े अच्छे लोग हैं बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन कुछ नेकियां हैं उसको वो हरगिज़ नहीं कर सकते और अगर उनको समझाया जाए अरे मौलाना अब क्या करें अब समाज में भी तो रहना है ना वो ऐसा है ना वो वैसा है ना वो घर वाले क्या कहेंगे बाहर वाले क्या कहेंगे एक हजार बातें अरे भाई तू मुसलमान है तू घर वालों से डर गया समाज से डर गया लोग कहेंगे अरे आपकी शकल कैसी लग रही है लोग कहेंगे अरे आपने कपड़े क्यों बदल दिए लोग कहेंगे अरे भाई ये मॉडर्न जमाना है यार ये, ये सब क्या करने लग गए मेरे भाई ये आयत को देखो इन नयी अज़ीम ये आदमी जो जानना में उसको जंजीरों में सत्तर गज जमीन जंजीरों में उसको पकड़ा पकड़ के डाला जा रहा अल्लाह बचाए इसलिए कि इन नावी इसलिए कि वो अल्लाह पर जो सबसे बुजुर्ग है वो उसका ईमान नहीं था तो मेरे भाइयों मेरी बहनों हर दफ़े ये सोच लेना कि मैं तो मुसलमान हूँ मैं तो मुसलमान हूँ मैं तो मुसलमान हूँ और अंदर उसकी गहराई को ना देखना यह शैतान का बहुत बड़ा धोखा है इसलिए बुजुर्गान दीन वलमा सही रास्ते पर चलने वाले दीनदार मुसलमान हर दफ़े और रात के हर हिस्से में बार बार एक ही बात सोचते हैं कहीं मेरा ईमान तो ख़राब नहीं हो गया कहीं शैतान ने मेरे ईमान पर डाका तो नहीं डाल दिया इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया है कुस ईमान बढ़ता भी रहता है और घटता भी रहता है नए से वो भी अल्लाह के लिए हों तो ईमान बढ़ता है और बुरे काम करने से जायद है वो तो अल्लाह की मर्जी के खिलाफ ही है तो ईमान घटता है तो पहले तो पह, सबसे पहले मुझे और आपको ये देखना है कि क्या मैं क्या आप अल्लाह का हक अल्लाह को दे रहे हैं अल्लाह का खाली पांच नमा नहीं है सिर्फ रमदान के रोदे नहीं है सिर्फ हजर जक़ात नहीं है अल्लाह का हक सिर्फ अल्लाह के रास्ते में जिहाद नहीं है सबसे पहले हमारी नीयत हो सिर्फ अल्लाह और सिर्फ अल्लाह और सिर्फ अल्लाह छोटे से छोटे अमल में और बड़े से बड़े अमल में सिर्फ अल्लाह तो मेरे भाइयों ये है सबसे बड़ी बात वो शख्स जिसको जानना में सत्तर ग ग जा है हाथ जंजीरें बांध कर उठा के फेंका जा रहा है जो पिछली आयतों में आपने सुना जिसने सिर्फ अपना लेफ्ट हैंड इस्तेमाल किया यानी बुराइयाँ ही बुराइयां की और जो राइट हैंड से गाफिल हो गया यानी नेक कमाल करता ही नहीं था या अगर करता था तो उसमें हजार सुराख थे तो उसकी सबसे पहली जो बुरी सिफत है वो ये कि उसका अल्लाह रब्बुल इज्जत पर ईमान सही नहीं था चलिए आगे बोला अला तामिल बस्किन और ना ही वो गरीबों को खाना खिलाने के लिए लोगों को उपसाता था हिम्मत अफजाई करता था इनकरेज करता था क्या बात हुई खाली इतनी बात वो गरीबों को नहीं खिलाता था ये दो आयतें एक अल्लाह के हकूक को बताने के लिए है तो दूसरी जो है बंदों के हकूक को बताने के लिए यह है इस्लाम आप जो है किसी भी दूसरे मजहब की स्टडी कीजिए और उनसे पूछिए कि तुम्हारा खुदा किस बात से राजी होता है तो वो लोग शैतान ने उनको उनके खुदा की जो तस्वीर बताई है एक तो कहीं हाँ ये अपने हमको अपने खुदा को ऐसा मानना है ऐसा करना है वो चादर चढ़ानी है वो जाकर पानी डालना है वो उसको जाकर कलर लगाना है वो ऐसे करना है वैसे करना है अच्छा जी तो और इंसानों के बारे में क्या है तुम्हारे मतलब में इंसानों के बारे में यह है उनके साथ अच्छा सलूक करो उनको जो है तो खिलाओ पिलाओ बड़ों को बड़ो बड़ा समझो छोटों के साथ मोहब्बत से रहो वगैरह वगैरह आम जो जनरल अखलाक बातें होती हैं वो जो है तो बताई जाएंगी मैंने अक्सर हिंदुओं से पूछा कि फर्ज कर लो एक आदमी बहुत मंदिर जाता है और वो जाए तो वो सब जैसे जैसा तुम्हारे यहाँ होता है क्या क्या होता है वो सब करता मगर ह्यूमन राइट्स में वो पीछे है ह्यूमन राइट्स में वो पीछे तो तुम्हारा भगवान उसको क्या करेगा जन्नत देगा कि दो देगा तो वो इस सवाल का उनके पास जवाब नहीं था पहले तो वो इस सवाल की गहराई को नहीं समझ सके तो वो अजीब अजीब बातें पूछने लगे तुम्हारा क्या मतलब है देखो भी मतलब ये मंदिर जाता है पूजा पाठ करता है अपने भगवान को राधी कर रहा तो अब तो भगवान उससे खुश हो जाएगा बोला बिल्कुल होगा मैंने कहा अच्छा अब अगर वो जो है माँ बाप का नहीं अदब करता खाना पीना गरीबों को नहीं देता मदद नहीं करता ऐसा नहीं जो बंदों के सारे हक हैं फिर तुम्हारा भगवान खुश हो जाएगा तो भले नहीं होगा अच्छा नहीं होगा तो फिर क्या सजा देगा वो क्या सजा देगा वो उससे नाराज रहेगा उसका कोई वाजे जवाब नहीं बल्कि सच्ची बात बोलूँ उनके पास ये फिक्र ही नहीं है और बहुत सारे मुसलमानों में भी नहीं है कि जन्नत में जाने का रास्ता सिर्फ नमाज नहीं है बंदों का हक भी अदा करना है अगर इस, इस ये दो पॉजिटिव मामलात को सही रखोगे अल्लाह का हक अल्लाह को दोगे और बंदों का हक हाँ बंदों को दोगे आप जन्नत में जाओगे इस्लाम अजीब गरीब यहां हर बंदे के साथ उसका जो भी हक आग पर है मुझ पर है अगर वो मैं अदा करता हूं तो मेरी जन्नत पक्की अगर मैं सिर्फ बंदों का हक हाँ अदा करता रहूं और अल्लाह के हकूक से गाफिल हो जाऊँ तो जन्नत मेरे हाथ नहीं आएगी और इसके बरक्स अगर मैं अल्लाह के ही हक अदा करता रहूं मगर बंदों के हुआ में पीछे हूं अभी डबल मुसीबत है डबल डबल मुसीबत कैसे मुसीबत है डबल कितनी खतरनाक हदीस है मैंने बार बार रस किया है के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा मनी तो गरीब किसे कहते हैं उल्ला को दीनारन वाला दर हमने कहा कि अल्लाह के रसूल जिसके पास एक दर हम और एक दीना ना हो वो मिस्कीन है गरीब है फरमायाकुम अन यौमिल क़ियामा मैं पूछ रहा हूँ तुमसे कियामत के, के दिन कौन मिस्कीन और फ़कीर और गरीब होगा अब इसका एक ही जवाब है अल्लाह रसूल व आलम ये बात तो सिर्फ अल्लाह उसके रसूल ही जानते हैं अब उसके बाद नबी ने क्या फरमाया कियामत में मस्किन वो होगा जिसकी नेकियां उहत पहाड़ के बराबर होंगी नमाज माशाल्लाह फर्ज सुनत नफी चाशता तहज अवाबिन और सजदे पे सजदे बड़ी अच्छी बात है और रोजे और जनाब ज़कात और हज सब चीज जबरदस्त जा रही है अल्लाह का जिक्र लेकिन फरमाया इसके साथ साथ सब बहादा वह शतम अहादा व अकल अमाल अहादा बंदों के हक़ में वो होगा जीरो किसी को गाली दी थी और उससे माफ़ी नहीं मांगी किसी को बुरा भला कहा था और उससे माफ़ी नहीं मांगी और किसी का माल ना हक खा लिया धोखा देकर खा लिया और फिर उसको उसका माल वापस नहीं किया यानी बंदों के हकूक़ में से आप अलैहि वसल्लम ने ये तीन बातें गिनईं तो फरमाया क़यामत में जिस जिसके साथ जिस बंदे के साथ इसने जो गलत सलूक किया था उसका वजन होगा और उस वजन के बराबर उसकी नेकियों में से उस दूसरे शख्स को दे दिया जाएगा और सारी नेकियां तकसीम हो जाएंगी क्या बचा जीरो कैसी हदीस है दिसे? ये हदीस क्या बता रही ये बता रही शायद को बला था मिसकिन लोगों को गरीबों को खाना नहीं खिलाता एक टाइटल है क्योंकि इंसानों की दुनिया में सबसे अहम चीज जो है वो ग़ा है खाने पीने का है जिसको आप थोड़ा सा भी ख्याल करो वो आपको बड़ी एहसान की नज़रों से देखता है मेरे भाइयों हम उम्र के आखिरी हिस्से में हैं पिछली ज़िंदगी हमारे पास है उसको खंगाली है बैठिए तन्हाई में बंदों का हक याद कीजिए बंदों के हक में सबसे पहले माँ बाप आते हैं मैंने अपने माँ बाप के साथ क्या सलूक किया आपने क्या किया अब वो दुनिया में हैं, तो फिर आप अलर्ट हो जाइए अगर जा चुके हैं अब तोबा कीजिए कीजिए और उनके नाम पर सदका करते रहिए सदका अल्लाह मैंने अपने माँ बाप के साथ ये 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 गलत किया था उनकी जिंदगी में माफी नहीं मांग सका जब मैं बड़ा हो गया तो मेरी जबान लंबी हो गई अगर मेरे वालदे ने मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ बात कही अब को क्या समझता क्या मैं इतना बेवकूफ़ हूँ मुझे नहीं समझता मैं बड़ा हो गया हूं हुग। ये इंतहाई जारहाना और गुस्ताखाना जवाब है तकादा तो ये था कि माँ बाप ने अगर मर्जी के खिलाफ भी कुछ कहा है उल्टा जवाब न दो ला तकुमा उफ माँ बाप को उफ भी ना कहो पता नहीं हम लोगों ने कितने उफ अपने माँ बाप से कहा है तो बस अभी वक्त है कि हम ज्यादा से ज्यादा अल्लाह को राजी कर लें तो ये दो तो बातें हैं मेरे भाइयों मेरी बहनों तो अल्लाह ताला उसके बाद फरमा रहा है फलही सल्यो वहाँ हुना हम तो अब आज इसका यहाँ कोई दोस्त नहीं है दोस्त क्यों जिक्र किया इसलिए कि दुनिया की झूठी जिंदगी में दोस्ती के ही भरम पर एक आदमी धोखा भी खाता है और धोखा भी देता है और दोस्ती ही के भरम पर अपने आप को अपने दोस्त के लिए कुर्बान करता है मैं जानता हूँ और रात जानते हैं हम सब एक दूसरे के लिए कैसी कुर्बानियाँ देते हैं मोहब्बत है दिल में और हमारे बाद भाई जो हमारी इस मजिस में है वो तो हर दोस्त के लिए अपने आप को सिर्फ कुर्बान कर रहे हैं हर तरह से माल से मोहब्बत से ख्याल से उनकी मुश्किल में काम आने से एहसानात हैं उनके ये। तो मेरे भाई मैं कह रहा हूँ कि क्यामत में कोई दोष वोश नहीं होगा वाला तमाम अलासलिन और उनको जो खाना मिलेगा वो सिर्फ़ गसलिन मिलेगा तो गस्लिन की तारीफ में कहा गया है कि जो है उसका मतलब है जहन्नमियों को में जलाते 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 वो जो सब उनके जिसम से गंदा संता निकलता रहेगा वही जो है ऐसे आदमी को दिया जाए किस को हर शख्स को अल्लाह बचाए कि जिसने लेफ्ट हैंड वाले सारे काम किए और राइट हैंड के कामों को नजरअंदाज कर दिया या कम किया और वो गस्लिन के बारे में यह है कि वो इसलिन किसे कहते हैं तो हजरत अब्दा, अब्दुल्ला अब्दा से भी पूछा गया तो आपने फरमाया मा अदरी मल ग मुझे नहीं पता है कि क्या है अज़ुल अजूम लेकिन मेरा ऐसा ख्याल है किसलिन का मतलब है ज़क़ूम तो ज़क़ूम के बारे में तो अल्लाह ने पचीस बाद बातें फरमा दिया है इन नशरद कामीम ज़ुकूम जो है वो गुनागार का खाना होगा और वह इतना कड़वा होगा और उसकी सारी बात फरमाइए अल्लाह बचाए हमें ज़ख़्म के खाने से मगर दूसरे मा ने यह फरमाया है कि उससे यही मतलब है उसे कहते हैं उर्दू में धोवन मुफसरीन ने उर्दो में यही लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि सारे जहनम में जहां नमियों के जलने कटने से जो कुछ निकलेगा वही सब खाना पड़ेगा लाया कुल खाति और ने फरमा दिया ये जो गिन है ये सिर्फ वही लोग खाएंगे कि जो थे खाति सिर्फ गुनाहगार इसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है फला उकसम बीमा तुब वा तुब जन्नतियों का तस्करा राइट हैंड के तौर पर हो चुका और जहनमियों का तस्करा लेफ्ट हैंड के तौर पर हो चुका अब आगे अल्लाह फरमाता है कि फला ओ कोसीम भी तो मैं जरूर कसम खाऊंगा वो उन सब चीजों की जो तुमको नजर आती है वो मा ला तुब जो तुमको नजर नहीं आती अब इसमें सारी दुनिया आ गई वो सारी चीजें जो नजर आती है हमें और नहीं आती है ये कसम खाने का अंदाज है और आगे फरमाने इन नहू लको रसूल करीम ये जो है एक इज्जतदार फरिश्ते की जरिए से भेजा गया है यहाँ पर रसूल का मतलब है जबरील आसमाम ने लिया है कि अल्लाह ताला मक्के के लोगों से ये कह रहा है कि देखो ये जो कुरान महम्मद सल्ला के पास आया है जिसके थ्रो ये भेजा गया है वो एक बहुत बाजत मैसेंजर है तो ये इस बात की गारंटी है कि अल्लाह ताला ने आयरे गैरे नथु खैरे के साथ नहीं भेजा बल्कि एक रजिस्टर्ड ट्रस्टेड, वेरी ट्रस्टेड फरिश्ते के जरिए भेजा है उमा कब रिशा आए ये जो कुछ भी मोहम्मद कुरान तो की बात कहते हैं तो कुरान की ये बात किसी शायर की बात नहीं है अलील्मा तो मीन कितना कम तुम ईमान रखते हो कितना कम तुमको यकीन आता है वला भी काहिन, ना ये किसी काहिन का जो एस्ट्रोनॉमी के उल्टे सीधी बातें करके बहकाता है या जो है लोगों को उनके फ्यूचर का हाल बताता है जिसे खुद अपनी फ्यूचर की खबर नहीं अलील्मा तर कितना कम है जो तुम नसीहत हासिल करते हो ये जो आयतें हैं दो वमा वबिक शायत उसके बाद वाला काहिन इसके बारे में रिवायात में आता है जिसको इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर में जिक्र किया कि हज़रत उमर कहते हैं मुसलमान होने से पहले एक दिन मुझे गौसा आया मैंने सोचा मोहम्मद को पकड़ता हूँ रास्ते में पकड़ता हूँ काबतुल्लम में पहुंचे उससे पहले पकड़ता हूँ कि क्या तमाशा कर रखा है तुमने यहाँ मक्के की सोसाइटी में तो कहते हैं फौज हो सबक नीलमस्जिद मैंने देखा यार ये तो मुझसे पहले निकल गए और वहाँ पहुंच गए और आप क्या करते थे तो आप में नमाज पढ़ थे जब आप नमाज पढ़ रहे थे तो हजरत उमर कहते हैं कि जब वो कुरान आपने पढ़ना शुरू किया तो मैं हैरत करने लगा कि यार ये ये जो अरबी और ये जो सेंस ये मफहम की ये जो बातें मोहम्मद पढ़ बड़ा हैं क्या जबरदस्त है तो ये सब सोचते हुए मेरे फ़ौरन दिल में सोचा यार ये तो बहुत ही बड़ा शायर है तो कहते हैं कि अभी मैंने ऐसा सोचा और नबी ने फौरन आयत पढ़ी हुआ भी शायर अली ये शायर वायर नहीं है तुम्हारा ईमान बहुत कम है मैंने फौरन सोचा अच्छा अच्छा ये काहिना है हा? बड़ी बड़ी ऊंची उड़ान बताता है तो मैंने देखा कि फिर تذكرون पढ़ा काहिन ये नहीं है तो हजरत उमर कहते हैं कि मैं तो दंग रह गया मैं दिल में अभी सोच नहीं रहा हूँ ये उसी का जवाब वो कुरान में से दे रहा है तो बाद में कहते थे कि जिस चीज ने मुसलमान होने के लिए मुझे उकसाया समझाया इस तरह की बातें थी कि जिससे मुझे समझ में आया कि नहीं मैं मैं गलत हूँ तंजीर में रबालमीन ये जो है कुरान नाजिर हुआ है आलमीन की तरफ जो पूरी दुनिया का बादशाह है उसने भेजा है मेरे भाइयों मेरी बहनों इतना तो वो हो गया कि जिसमें प्रान की सफाई अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दी ये प्रान अल्लाह का कराम है अल्लाह ने भेजा है इंतहाई ट्रस्टेड और इंतहाई भरोसे वाले अमानतदार शख्स जबरील आसम के जरिए से भेजा है इतनी बात तो होगी आगे जो आयत आ रही है मुझे उसका तर्जमा कहते हुए मैं कांप रहा हूं उससे पहले आप समझिए अगर आपने कोई मामला किसी के साथ किया और वो मामले में सामने वाले ने आपसे कहा नहीं ऐसा नहीं वैसा आप आप कहोगे अरे भाई मैंने जिस शख्स को बोला जिस शख्स को बताया था वो मेरे भरोसे वो का आदमी हो होगा अगर वो धोखा दे दे तो अगर वो धोखा दे यकीन मान उसको चीर के फेंक दूंगा हम बोलते हैं ना अगर उसने धोखा दिया ना अरे उससे तो मैं मार डालूंगा उसके तो मैं हाथ पर तोड़ दूंगा वाक अल्लाह की जात बहुत अजीम है वलैना बकाबिर अमीन बिल अमीन थम अल कताना मीन फमा मिन अनुहसी ये चार आयतें देखिए चार आए थे क्या बोल रही है? वोलो तकवल आ रहे ना और अगर ये मोहम्मद सल्लाह हमारे बारे में झूठ बात बोलेंगे यानी ये कुरान नहीं है बोल रहे हैं कुरान है हम थोड़ा बोल रहे हैं ये ज्यादा बता रहे हैं हम जितना बोल रहे हैं इतना कुरान इतनी आ जाते हैं लोगों तक पहुंचाओ उसमें कम कर रहे हैं ये सब मिला कर अगर ये मोहम्मद इस तरह से हमारे बारे में झूठ बोलेंगे बादल काबिल कोई एक बात भी थोड़ा सा भी हमारे बारे में झूठ बोलेंगे लाख हम उनको सीधे हाथ से पकड़ लेंगे सीधे से पकड़ने की क्या बात है आमतौर पर लोग राइट इस्तेमाल करते हैं कि इसकी कुत ज्यादा होती है इसकी पकड़ भी ज्यादा होती है किसी चीज को मजबूत पकड़ना हो आप सीधे हाथ से पकड़ते लाखा अमीन बिल जमीन तो यहां पर अल्लामा इबन जरीर एक बहुत बड़े मुफसर हैं और मौजूदा दौर में मौलाना अमीन आसन इसरा रम्ह उन्होंने भी ये जिक्र किया यहाँ सीधे हाथ का मतलब सीधा हाथ नहीं है सीधे का मतलब है कवत अल्लाह फरमा रहा है कि अगर मोहम्मद ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे बारे में जरा भी झूठ बोला हम मोहम्मद की दी ताकत से पकड़ लेंगे हाँ तुमकतान अमीनवी उसके बाद हम उनकी गर्दन की जो शहरग है वही काट देंगे ये हैं वो गुस्से के जुमले जिसमें आप जितनी कुदरत रखते हैं तो आप कहते हो अरे अगर उसने ऐसा किया ना मैं तो इसको चीर के फेंक दूंगा इसके तो हाथ पे तोड़ दूंगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस बात को बताने के लिए कि हर नबी और मोहम्मद सल अगर इन्होंने कभी हल्का सा भी कुरान के नाम से झूठ बोल के हमारी तरफ बढ़ाए ना हम मुसीबत उनको मार डालेंगे कितने खतरनाक जुमले इतने खतरनाक जुमले किसके बारे में कहे जा रहे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कह रहे हैं तो इसे अंदाजा लगाइए अल्लाह का एक होना अल्लाह की वहदानियत इतनी अजीम शान चीज है उसको अगर कोई जरा सा भी टच करेगा अगर नबी भी होगा तो अल्लाह के आजाक से नहीं बचेगा यानी ये बात बताने के बाद तो अब ये बात क्लियर हो गई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बात अपने दिल से नहीं बोल रहे हैं और कुरान की हर आयत ये वही आयत है जिसको अल्लाह ने आसमान दुनिया से हमारे पास भेजा इतना कहने के बाद फिर अल्लाह ताला फरमा रहा है मिन फमाम तो अगर हमने उसको ऐसा पकड़ लिया और ऐसा उनकी शहरक काट दी तो कोई तुम्हें से है जो उसको बचा सकेंगे याद बड़ी बाह माना है किस एतबार से अल्लाह ताला फरमा रहा है कि आज तुम बोल रहे हो मोहम्मद से कुरान बदलो दूसरा कुरान लाओ ये बात सही नहीं है क्या ये अल्लाह के पास आ रहा है क्या सबूत है और मोहम्मद ने तुम्हारी बेतुकी बातों में अगर कुछ भी बदला और हम उसके साथ ऐसा ऐसा सलूक करेंगे तुम्हारे बोलने से उसने ऐसा किया तो फिर तुम में से कोई है जो उसको बचा सकता है कोई नहीं अल्लाह के आजाब से कौन किस को बचा सकता है वही न हो लतस्कर बल्कि ये जो कुरान है ये तस्करा है ये नसीहत का अंबार है इसके अंदर लीलमुस्तकी जो अल्लाह से डरते हैं उनके लिए प्यारी बात वै ना लनावीन को मुखदबीन और हम ये जानते हैं अच्छी तरह कि तुम में से अरेस के लोगों अय मक्के के रहने वालों बहुत सारे लोग झूठ बोलते हैं वो तो जानते हैं ये कलाम सच है मगर अपनी अपनी गद्दी बचाने और अपनी अपनी सरदारी को बचाने के लिए मोहम्मद अलैहि वसल्लम को ही शायर कह रहे हैं या काहिन कह रहे हैं वही नहूला सरत काफीन और ये बात कि वो मोहम्मद के बारे में ऐसे उल्टे सीधे अल्फाज बोले ये सारी की सारी बात काफिरों के लिए आखिरत में हसरत बनेगी काश मैं ऐसा ना बोलता काश मैं ऐसा ना करता काश 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 एक हज़ार काश वही नहू लाहकुल यकीन बल्कि याद रखो ये जो क़ुरान है लाहक ये एकदम हक है सच्चा है और यकीन की हद तक सच्चा है फसब बिसम रबी का तो अय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम अपने रब की जो बहुत बड़ा है बुजुर्ग है उनके नाम की तस्वीर पढ़ता रहो यानी तुम इन लोगों को बदर मत करो अपने माइंड में मत रखो ये लोग तुम्हारी सच बात का इस्तबाल कैसे कर रहे हैं मामूली तरीके से अच्छे तरीके से मान कर या इनकार करके तुम तो बस अपने रब की याद में लगे रहो ये युवा यहाँ पर ये शुरह ख़त्म हुई मेरे भाइयों पलट कर आओ शुरह हाफ को फिर पढ़ो शुरू कहाँ हुई थी और ख़त्म कहाँ हुई है शुरू तो ये बात हुई थी कि देखो वो सच बात जो हर हाल में पेश आने वाली यानी क़यामत। और उसका इनकार कौम आद ने कौम सबून ने किया और दूसरी कौम ने किया तो नतीजा क्या निकला फिर आगे बढ़ते बढ़ते अल्लाह ने समझाया कि देखो ये जो है इसका इंगाज़ जो करेगा वो अल्लाह के आज़ाद से नहीं बच सकता और आखिर में यह है कि जो लोग अल्लाह से दूर हैं उनको उनके हाल पे छोड़ दो तुम अल्लाह की याद में रहो अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करने वाला है ये थी मेरे भाइयों सुरह हाक्का की मुझ जैसे कम इल्म के जहन में जो बातें आई मैंने अर्ज़ किया और इन अगली मुलाकात में हम नई शुरा शुरू करेंगे अल्लाह ताला हर बात पर सबसे पहले कहने वाले को अमल की तोफी दे <coughs> उसके बाद आप सबको और दुनिया के तमाम मुसलमान मर्दों औरतों और और को अल्लाह ताला ने एक तो <coughs> आखिर में जो बात कही गई है इसमें कहा कि अब आमिर जहनी की रवायत है कि जब यह आय फसब भी बेसम रब भी कर अजीम नाजिर हुई तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसको अपने रुकू में रखो और जब सब बेहसम रब भी आला नाजिल हुई तो फरमाया कि इसको अपने सिजे में रखो जी इसलिए बाजमात उम्मा उम्मत रुकू और सिजे में ये दोनों तस्बियात पढ़ी जाती हैं जमहूर के नज़दीक उनका पढ़ना और तीन मरतबे तकरार करना सुन्नत है और बाद ने वाजिब भी कहा है इसको एक्सप्लेन कर दीजिए कैसे? ये आया है हदीसों में और ए, मेरे सामने ज्यादातर कसी की तफसीर होती है तो उन्होंने इस आयत को उसे नहीं जोड़ा और ना उसका जिक्र किया है मगर ये बात सही है कि दूसरी रिवायतों में आया है कि जब आयत नाजी का राजी तो आपने ये फरमाया कि इसको रुकू में रख लो सुबहान रबीम और सदे में जब सब हज अरबी का आला आया सूरत नाजिल हुई तो आपने फरमाया कि इसको सुबहान अरब सदे में कर लो ये सही हदीसे साबित है और उम्मत का इतफ़ाक भी है और ये भी सही है कि उसे कम से कम तीन दफ़े पढ़ना है और ये कि इसी से हमारी नमाज मुकम्मल भी होगी जिन हजरात ने वाजिब कहा है वो भी इस एतबार से कहा कि अगर आप अगर मैं आपको एक एक बात कहता हूँ अगर हम किसी मुसलमान को ये सिखाएं फिर तुम ऐसे खड़े रहो शुरे फातह पढ़ो फिर उसके बाद कोई शुरा पढ़ो उसको रुकू में जाओ आपने बताया कि ऐसे बो हो जाओ आता झुक जाओ तो वो ऑटोमेटिक आपसे पूछेगा मैं झुक गया मैं इस, क्या हाँ, 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 तो है ना खाली रुकू हाँ, और खाली है अभी थोड़ा प्रोग्राम चल रहा कॉल करूंगा उस हाल में तस्वीर का पढ़ना तो पूरा शान में और सजे की हालत में सजे की तस्वीर पढ़ना वो उसकी शान है तो ये बात तो सही तो है अल्लाह ताला तौफीक दें मगर हमारी मुसीबत यह है कि बचपन में महज आदत होने के लिए सिखाने के लिए जिस मौलाना ने भी मौलवी साहब ने या वाली साहब ने सिखाया कि बेटे फिर रुकू में जाना और सुबह रबी रदीमाना तीन दफ़े बोलना तो वो जिस दिन उन्होंने सिखाया है वो दिन और आज का दिन है हमने कभी उसे पांच दफ़े सात दफ़े नौ दफे नहीं पढ़ा वो अनगिनत है तीन दफ़े तो कम से कम बोलें तो लेकिन एक बात है फा के अतबार से खुद नमाज पढ़ रहे हो तो नाइन हंड्रेड दफ़े भी पढ़ लो तो जायज़ है लेकिन अगर नमाज पढ़ा रहे हो तो इतना लंबा रुको ना करें कि लोग सर्दे में गिर जाए और इतना लंबा सर्दा ना करें कि लोग वहीं लेट जाए मेरा मतलब है नमाज पढ़ाओगे तो मतदिल रहोगे ना बहुत लंबी ना बहुत छोटी और इसका ख्याल करके कि पीछे जो लोग हैं उनमें कोई बीमार भी होगा कोई बुरा भी होगा कोई मुसाफिर होगा तो उसमें बहुत से बहुत पांच या सात दफ़े तक के तकरार हो सकती है और असल जो अल्लाह ताला को अपनी मोहब्बत को दिखाना है वो अपनी खुद की नमाज में चाहे मस्जिद के अंदर हो चाहे घर के अंदर हो चाहे कहीं और हो वहाँ सुबहानबीदी आप कितनी इज्जत से मोहब्बत से और ज्यादा से ज्यादा पढ़ सकते हैं अला इसी तरह ज़ाकत आपको अभी भाई आपने एक अच्छी बात याद दिलाई दुआ दुआ कर लें मोलाना या मौलाना याबीम अल अजीज अलजब्बार अलमतबर أنت ربنا الأعلى اللهم أنت ربنا الأعلى اللهم أنت ربنا الأعلى ربنا آمين. علينا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير اللهم صل على الله محمد وعلى آل محمد آمين. كلما ذكروا ذاكرون وكلما غفل عن ذكر الغافلون ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا الله دنيا أستوفي لي هم हमारे भाई और बहने जमा हुए और सूर्य हाका को हमने तफसील से सुना अरे मेरे महबूद हमारा इल्म बढ़ रहा है हमारा अमल नहीं बढ़ रहा है अगर हमारा अमल बढ़ता है कभी अचानक थोड़ा सा बढ़ जाता और फिर वैसे ही पलट कर वैसे हो जाते हैं जैसे पहले थे इस जुर्म अदीम को माफ फरमा जब आ, जब, आ, जब आ, हमें कोई दीन की बात मालूम हो हमारा ईमान और बढ़ जाए हमारे अमल और बढ़ जाए हमारी मोहब्बत तुझसे और ज्यादा हो जाए और हम तेरे हो जाए और तेरी मोहब्बत में डूब जाए और तेरे दीन में डूब जाए और ज़्यादा से ज़्यादा अमल करें और उसमें हर अमल में ऐसा अखलास हो कि वो तेरे लायक हो और तो कबूल फरमाए ऐसी तब्दीली हमारी जिंदगी में लाए मेरे मबूो इन कुरान की महफिलों से और अपनी जतीी किताबों के मुताले से या पढ़ने से या उनम से ताल्लुक से इसको हमारे अमाल में नेक अमाल में ज्यादगी का सबब बना हमें उन लोगों में से बना के तो हमारा रजिस्टर हमारे सीधे हाथ में देगा हमें उन लोगों में से न बना जिनके बाएं हाथ में उनका नाम अमल आएगा ए अल्लाह हमको गचा दे जब से बचा दे एल्ला आखिरत के हर अदाब से बचा दे आसल को तो बड़ी चीज समझना आसान फरमा अल्लाह दुनिया की अहमियत कम फरमा ए अल्लाह जरूत इनार की मोहब्बत कम फरमा खानों की कपड़ों की मोहब्बत कम फरमा ए आलमीन दुनिया के टीप टाप और जेब और आशा आर से अल्लाह उसकी मोहब्बत कम फरमा अल्लाह सीधी सादी जिंदगी अता फ़रमा रोजे वाली जिंदगी अता फ़रमा ज़क़ात वाली जिंदगी अता फ़रमा ए अल्लाह हज और उम्र वाली जिंदगी अता फ़रमा अल्लाह जिस बंदे का हम पर छोटे से छोटा हक है उसको सही तरह से अदा करने की तोफ़ी अदा फरमा ये अल्लाह ऐसा ना हो मर गए और किसी को गाली दी थी उससे माफ़ी नहीं मंगवाई और किसी का दिल तोड़ा था उससे कुछ नहीं कहा ये अल्लाह ऐसा ना हो किसी का हराम पैसा खा लिया ये अल्लाह व सारे आमार जिससे किसी बंदे का दिल टूटता है या उसका हक मारा जाता हमारी हमारी नस्लों की उससे हिफाजत फरमा अरे अल्लाह तेरा हक़ और बंदों का हक तेरे हुक्म के मुताबिक अदा करना आसान फरमा ऐसी जिंदगी दे दे के बस तो खुश हो जाए अल्लाह हमारी इन दुआओं को और दुनिया के हर मुसलमान की हर जाए दुआ को ए अल्लाह अपने फर्जो करम से कबूल फरमा सरी खल्की मोहम्मद आ रही साहबियतमैन रहमति का या